हे एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्लास नंबर 82 जेनेटिक्स कंटिन्यू करेंगे। जेनेटिक्स में भी म्यूटेशंस, म्यूटेशंस का आज हम लोग सबसे लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। म्यूटाजेंस की बात करेंगे हम यहाँ पर। म्यूटाजेंस, जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था कि म्यूटाजेंस आर दोज एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन। तो म्यूटेशन करने वाला हर सब्सटेंस, हर एजेंट कहलाता है म्यूटाजन। अगर हम बेसिकली इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस एंड केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस की बात करूंगा तो ये रेडिएशंस हैं इसमें बेसिकली, और वो भी दो टाइप की, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। अगर केमिस्ट्री आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आयनाइजिंग रेडिएशंस हम उन रेडिएशंस को कहते हैं जो किसी एटम को आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। यानी बेसिकली दोज रेडिएशंस विच कैन आयनाइज एन एटम आर कॉल्ड एज आयनाइजिंग रेडिएशंस। और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज, ऑल दीज रेडिएशंस आर आयनाइजिंग रेडिएशंस। और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो किसी एटम को आयनाइज नहीं कर पाती, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो अल्फा, बीटा, गामा, एक्स रेज आर आयनाइजिंग रेडिएशंस और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस है। और ये दोनों ही टाइप की रेडिएशंस म्यूटाजेंस की तरह काम कर सकती है। केमिकल म्यूटाजेंस, बेसिकली हम यहाँ केमिकल्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे एजेंट्स जो केमिकल हैं और म्यूटेशन कॉज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल मस्टर्ड गैस, सेकेंड एग्जाम्पल है नाइट्रस एसिड, इनको सबको डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा एग्जाम्पल बेस एनालॉग्स, बेस एनालॉग्स में भी दो एग्जाम्पल्स हैं, अमीनोप्यूरिन और 5-ब्रोमो यूरासिल। नेक्स्ट एग्जाम्पल अल्काइलेटिंग एजेंट्स जैसे कि EMS और MMS, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट एंड मिथाइल मिथेन सल्फोनेट। और सबसे लास्ट एग्जाम्पल है एक्रीडिन और प्रोफ्लेविन डाइज। आपको ये फोटोग्राफ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। सब इल्यूम बायोलॉजी के ही नाम से हैं, जहां पे आपको ये सारी फोटोग्राफ्स वहां पर मिल जाएगी। EMS, MMS यानी इथाइल मिथेन सल्फोनेट और मिथाइल मिथेन सल्फोनेट अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं। आइए इन सब के बारे में धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से म्यूटेशंस कॉज करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा आयोनाइजिंग रेडिएशंस, यानी वो रेडिएशंस जो किसी एटम को आयोनाइज कर सके। अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और एक्स रेज इनके एग्जाम्पल है। और अब हम लोग बात करेंगे एक्स रेज की, कि किस तरह से एक्स रेज म्यूटाजन की तरह काम करती है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्स रेज म्यूटाजन के साथ साथ में एक कार्सिनोजन भी है। कार्सिनोजन मीन्स An agent that causes cancer is called as carcinogen. तो X-rays mutagen भी है और carcinogen भी है। अब X-rays किस तरह से mutagen की तरह काम करती है, तो ये दो mechanisms है जिसके through X-rays can act as a mutagen. पहला कि X-rays DNA breakage करवाती है, मतलब अगर किसी cell पे आप X-rays radiate करोगे तो उसके अंदर जो DNA present है nucleus में उसका breakdown होता है। अब जब DNA का breakdown होगा, यानी क्रोमोसोमल structures में variations आएंगे, क्रोमोसोमल structures change होते हैं और इस तरह के mutations को कहते हैं क्रोमोसोमल aberrations। आप चाहें तो हमारे पहले चार पार्ट mutations के देख सकते हैं, वहां पर हमने क्रोमोसोमल aberrations वगैरह सब कुछ काफी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो DNA breakage होगा तो ऑब्वियसली क्रोमोसोमल aberrations प्रोड्यूस होते हैं। और जो सेकंड मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स, तो एक्सरेज जब डीएनए पर रेडिएट होता है तब उन नाइट्रोजनस बेस को आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कॉज फॉरबिडन पेयरिंग। इस वर्ड को समझे आप, टर्म को समझे, फॉरबिडन एक इंग्लिश वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है समथिंग विच इज नॉट अलाउड, यानी ऐसी चीज जो अलाउ नहीं होती उसको हम कहते हैं फॉरबिडन पेयरिंग। देखिए, हम अच्छे से जानते हैं कि डीएनए के अंदर जो पेयरिंग होता है वो हमेशा कुछ ऐसा रहता है कि एडिनाइन के साथ थायमिन बाइंड होता है, जबकि गुआनिन के साथ में साइटोसिन बाइंड होता है। इसके अलावा जो दूसरी पेयरिंग है वो अलाउड नहीं होती। लेकिन जब नाइट्रोजनस बेसिस अपने आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सारी पेयरिंग जो अलाउड नहीं होती वो पेयरिंग्स भी डीएनए में हो जाती है, और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं फॉरबिडन पेयरिंग। हम लोग फर्दर इसको और डिटेल में अभी लेंगे फॉरबिडन पेयरिंग को, और इसकी वजह से होता है ट्रांजिशन। व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा, ट्रांजिशन जब प्यूरिन की जगह पर दूसरा प्यूरिन आ जाए तो उसे ट्रांजिशन कहते हैं, और अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन या फिर पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाए तो उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशंस। उसके लिए आप हमारे म्यूटेशंस के पहले के वीडियोस
पहले के पार्ट देखिए, आपको ये सब चीजें वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है हमने। तो बेसिकली एक्सरेज दो तरह से म्यूटेशन कॉज करती है। पहला तरीका जो है कि एक्सरेज डीएनए ब्रेक डाउन करती है, जिसकी वजह से क्रोमोसोमल एबरेशन होते हैं, और साथ साथ में एक्सरेज नाइट्रोजनस फॉर्म को भी आयोनाइज करती है, जिसकी वजह से होती है फॉरबिडन पेयरिंग दैट लीड्स टू ट्रांजिशन। चलते हैं नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस की तरफ, और जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के इफेक्ट्स क्या क्या है वो देखिएगा। देखिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले यहाँ पे सीखे कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, उनकी जो स्किन रहती है, उनकी स्किन उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। हम जैसे जेनेटिक्स के पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब स्किन पर रेडिएट होती है तो हमारी स्किन एक पिगमेंट बनाती है जिसको हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट, और ये मेलानिन पिगमेंट उन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको फर्दर डेप्थ में नहीं जाने देता। तो हायर ऑर्गेनिजम्स के पास में स्किन है जो इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से हायर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। बट अगर मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर वेरी इफेक्टिव म्यूटाजेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूटाजेंस की तरह काम करते हैं यूवी रेडिएशंस माइक्रोब्स पे, और इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस माइक्रोब्स की डेथ भी कॉज करती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हॉस्पिटल्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में एक स्टरलाइजेशन एजेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। आप कभी अगर किसी क्लिनिक को विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर क्लिनिक में अल्ट्रावायलेट चैम्बर्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें अल्ट्रावायलेट ट्यूबलाइट लगा रहता है जो यूवी रेडिएशंस निकलती रहती है वहाँ से, और उसके अंदर हॉस्पिटल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को उन चैम्बर्स में रखा जाता है ताकि वो चैम्बर्स हमेशा माइक्रोब्स फ्री रहें, क्योंकि सर्वाइव नहीं कर पाएंगी वो माइक्रोब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्रोमोसोमल एबरेशंस भी उसके साथ में कॉज करते हैं, एंड यस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर यूज्ड टू स्टरलाइज ऑपरेशन थिएटर्स। यहाँ पर मेरे पास बच्चों के लिए कुछ सवाल है, और वो है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, आपको मुझे इन दोनों में डिफरेंस बताना है। आप कॉमेंट सेक्शन में जाइए और जो भी आपको इस बारे में पता है जरूर कॉमेंट करके हमें बताइए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूवी रेडिएशंस के बारे में और देखते हैं। देखिए यूवी रेडिएशंस का इफेक्ट देखिएगा किस तरह से यूवी रेडिएशंस काम करती है। थायमिन एक नाइट्रोजनस बेस है, हमें अच्छे से मालूम है। यूवी रेडिएशंस क्या करती है कि दो पास पास के थायमिन बेसिस को ये कंबाइन कर देती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ टू एडजेसेंट थायमिन ग्रुप्स, जिसकी वजह से ये दोनों नाइट्रोजनस बेस क्या हो जाएं, कंबाइन हो जाएंगे। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से थायमिन और थायमिन मिलकर एक थायमिन डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए किसी डीएनए में जिसमें थायमिन डाइमर बन चुका है, जब इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा उस वक्त जहां पर ये थायमिन डाइमर है वहां पर रेप्लिकेशन में एरर प्रोड्यूस होते हैं, और जब भी डीएनए रेप्लिकेशन में एरर प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से होते हैं म्यूटेशंस। वापस समझिएगा अच्छे से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जब डीएनए के स्ट्रक्चर पर आती है तब ये दो थायमिन बेसिस को जो पास पास में है उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, जिसकी वजह से बनता है एक थायमिन डाइमर, और जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इस जहां पर थायमिन डाइमर प्रेजेंट है वहां पर हमेशा एरर प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस कॉज होते हैं। इसको मैं अगर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूं आपको तो ये देखिए इस डायग्राम में दो थायमिन बेस आसपास हैं, इन थायमिन बेस के ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं तो इन दोनों थायमिन बेस के बीच में आप देखिएगा कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और अब इस कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से बन गया थायमिन का डाइमर। ये देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड शो कर रखे हैं, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया एक थायमिन डाइमर, और ये थायमिन डाइमर डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से कि वक्त एरर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से म्यूटेशंस होते हैं।
केमिकल म्यूटाजेंस की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस को एक बार कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि केमिकल म्यूटाजेंस आर मोर हार्मफुल देन फिजिकल म्यूटाजेंस। केमिकल म्यूटाजेंस रेडिएशन से ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है तो हायर ऑर्गेनिजम्स में हमारी बॉडी की स्किन प्रोटेक्ट करती है अपने को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, बट हमारी बॉडी में केमिकल्स को लेकर किसी तरह का प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए केमिकल म्यूटाजेंस हम पे ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोड्यूस करते हैं कंपेयर्ड टू फिजिकल रेडिएशंस। प्लस फिजिकल रेडिएशंस जैसे जब किसी बॉडी पर गिरती है, जब रेडिएट होती है, तो वो जिस पार्ट पर रेडिएट होगी केवल वो उसी पार्ट पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन केमिकल म्यूटाजेंस ब्लड के साथ में ट्रेवल करके आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच सकता है। जैसे कि अगर मैं सोर्सेज की बात करूं केमिकल म्यूटाजेंस की, तो एयर, फूड और वाटर, इन तीनों के साथ में केमिकल म्यूटाजेंस अपनी बॉडी में एंटर कर सकता है। जैसे जैसे हम लोग जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई म्यूटाजन प्रेजेंट है केमिकल म्यूटाजन, तो वो फूड के साथ में मेरी बॉडी में जाएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पहुंचेगा, वहां से एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड में, और ब्लड से वो पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। देखिए जब तक वो बॉडी के सोमाटिक सेल्स तक पहुंचता है तब तक वो म्यूटेशन कैसा रहेगा, केवल बॉडी के अंदर है और वो नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं सोमाटिक म्यूटेशन केवल अपने जनरेशन तक ही सीमित रहता है, जबकि जर्माइनल म्यूटेशन यानी जर्म सेल का म्यूटेशन जो गैमिट फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। ये सारे कंसेप्ट हम लोग म्यूटेशन के हमारे वीडियोज में पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जरूर उन वीडियोज को देखिएगा। तो अगर केमिकल म्यूटाजन हमारी बॉडी में एंटर करे और ब्लड के साथ में अगर वो हमारे गोनेट्स में पहुंच जाए, गोनेट्स यानी टेस्टिस और ओवरी में, तो वो बिल्कुल जर्माइनल म्यूटेशंस प्रोड्यूस करेगा और ये जर्माइनल म्यूटेशन फिर नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाता है। इसलिए केमिकल म्यूटाजेंस आर मोर हार्मफुल देन फिजिकल म्यूटाजेंस। शुरुआत करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में। तो सबसे पहला जो म्यूटाजन है वो है मस्टर्ड गैस। इसका नाम देखिए, मस्टर्ड हम कहते हैं ना एक सरसों को कहते हैं मस्टर्ड, और गैस, अब देखिए नाम बिल्कुल ही मिसनॉमर कह सकते हो आप इसको, कि बिल्कुल इसका नाम ही गलत तरीके से रखा गया है, बट यही इसका नाम है मस्टर्ड गैस। देखिए सबसे पहली बात तो कि ये केमिकल कोई गैस नहीं है बल्कि ये एक लिक्विड होता है, बट कहते हैं इसको मस्टर्ड गैस है, और ये सबसे पहला पहचाना गया है केमिकल म्यूटाजन है। सबसे पहला केमिकल म्यूटाजन जिसको आइडेंटिफाई किया गया था वो था मस्टर्ड गैस। अब इसको मस्टर्ड गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्मेल रहता है वो बिल्कुल कैसा रहता है, मस्टर्ड यानी सरसों के जैसा, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। बाकी कोई दूसरा इसका मस्टर्ड या सरसों के साथ में रिलेशन नहीं है। केमिकली आप इसको सल्फर मस्टर्ड कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस है और म्यूटाजन के साथ साथ में ये एक केमिकल वॉरफेयर एजेंट है। केमिकल वॉरफेयर एजेंट मतलब कि ये कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वॉर में यूज किए जाते हैं, अपने दुश्मन सेना के खिलाफ यूज किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में कैजुअल्टीज या मारधाड़ की जा सके। और बिल्कुल मस्टर्ड गैस को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी यूज किया गया था। ये एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग जो मुझे गूगल से मिली कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जो आर्मी थी, वो जर्मन आर्मी ने अपने एनिमीज के अगेंस्ट इस वॉरफेयर एजेंट को यूज किया था जो कि मस्टर्ड गैस थी, और काफी अधिक मात्रा में इन्होंने कैजुअल्टी या मारधाड़ प्रोड्यूस की थी। और आज भी काफ़ी एरियाज में जब आप देखोगे इसको, इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है केमिकल वॉर। केमिकल वॉर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। लेटेस्ट अगर हम लोग एग्जांपल देखें अगर 2-3 साल पहले का, तो सीरिया में जो ये एक सिविल वॉर चल रहा है उसमें काफ़ी मात्रा में केमिकल एजेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं। अपने आप को देखिए अपडेट होते रखते रहिए, जनरल नॉलेज अपने साथ में रखिए हमेशा। हालांकि अब तो एम्स बंद हो गया है तो जीके के क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो साथ साथ में जीके पे भी ध्यान रखिए आप। तो मस्टर्ड गैस द फर्स्ट आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटाजन है, सल्फर मस्टर्ड बोलते हैं इसको, और उसके साथ साथ में केमिकल वॉरफेयर एजेंट की तरह भी ये काम करता है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रस एसिड HNO2, एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, बट हम लोग जो म्यूटाजन की बात कर रहे हैं वो है HNO2 नाइट्रस एसिड। देखिए नाइट्रस एसिड किस तरह से म्यूटाजन की तरह काम करेगा उसको समझिए। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स, जब इस नाइट्रोजनस बेस पर अफेक्ट होता है नाइट्रस एसिड का, तब ये नाइट्रस एसिड कॉजेज डीअमिनेशन। डीअमिनेशन का मीनिंग क्या हो गया, जैसा मैं आपको हर बार कहता हूँ वर्ड स्प्लिट करके किसी का मीनिंग निकालिए। देखिए जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं DED, तो ये प्रीफिक्स की तरह जब यूज होता है तो इसका मतलब होता है रिमूवल। जैसे मैं बोलता हूँ डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर लॉस को कहते हैं हम डिहाइड्रेशन। यहाँ पे वर्ड है डीअमिनेशन, तो डीअमिनेशन का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। यानी जब किसी भी मॉलिक्यूल से आप अमीनो ग्रुप निकालते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डीअमिनेशन। तो आज से आपको याद रखना है कि नाइट्रस एसिड एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा केमिकल म्यूटाजन है जो डीअमिनेशन कॉज करता है नाइट्रोजनस बेस में। हमें मालूम है नाइट्रोजनस बेस में अमीन ग्रुप होता है, तो उस अमीन ग्रुप को निकाल देता है HNO2। अब जब नाइट्रोजनस बेस में से अमीन ग्रुप निकल गया तो उस चेंज्ड नाइट्रोजनस बेस के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट वर्ड इज टॉटोमर। आप ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा ये वर्ड, व्हाट इज अ टॉटोमर, अ चेंज्ड नाइट्रोजनस बेस, एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस जिसमें कुछ चेंजेस प्रोड्यूस किए गए हैं उसको हम कहते हैं टॉटोमर्स, एंड ये टॉटोमर्स फिर म्यूटेशन कॉज करते हैं। डिमिनेशन इज रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। देखिए हम लोग इसको केमिकली देखें अगर हम लोग, तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको एक एक न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, तो देखिए अच्छे से, देखिए एक एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो एक न्यूक्लियोटाइड में होता है शुगर, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक पेंटोज शुगर, पांच का ग्रुप का वो कहते हैं पेंटोज शुगर, तो यह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पांच कार्बन की शुगर पेंटोज शुगर। उसके साथ में जुड़ा हुआ है एक फॉस्फेट, और पेंटोज शुगर के साथ में जुड़ा हुआ एक नाइट्रोजनस बेस। तो जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनते हैं, न्यूक्लियोसाइड, और जब इसके साथ में जुड़ता है फॉस्फेट तब बनता है न्यूक्लियोटाइड, और ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनाते हैं एक पॉली न्यूक्लियोटाइड, और पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन मिलकर बनाती है DNA और RNA यानी न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर मैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे जब यहाँ पर HNO2 एक्ट करेगा तो उस HNO2 की वजह से क्या होगा, डी अमीनेशन, यानी इसका अमीन ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखिएगा यहां पर कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है इस ये कंप्लीट, देखिए यहां पर मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस इज नाइट्रोजनस बेस, और अब इस नाइट्रोजनस बेस में से अमीन ग्रुप यानी NH2 दिख रहा होगा आपको टॉप पे जो दिखा रखा है, मैं आपको दूसरे कलर में दिखाता हूं, यहां देखिएगा ये, यहां ये जो ग्रुप है दिस इज NH2 ग्रुप, तो जब इस पे HNO2 एक्ट करेगा तो ये NH2 ग्रुप रिमूव करेगा, तो ये देखिए यहां पर NH2 ग्रुप रिमूव हो गया। अब ये तो हुआ आपका एक नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस, लेकिन ये क्या है, ये है एक टॉटोमर, और ये टॉटोमर कॉज करता है म्यूटेशन। एग्जांपल्स देखेंगे हम टॉटोमर के, तो देखिए हम लोग यहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस और उनके टॉटोमर्स की हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एडिनाइन की बात करूं तो एडिनाइन के जो टॉटोमर होता है उसको हम कहते हैं हाइपोजेंथिन, ग्वानिन का टॉटोमर कहलाता है जेंथिन, और साइटोसिन का टोटोमर कहलाता है यूरासिल। तो हाइपोजेंथिन, जेंथिन और यूरासिल, यानी जब आप एडिनाइन का जब डीअमिनेशन करोगे उसमें से अमीनो ग्रुप हटाओगे तो बनेगा हाइपोजेंथिन, ग्वानिन से अमीनो ग्रुप हटेगा तो बनेगा जेंथिन, और साइटोसिन से अमीनो ग्रुप हटेगा तो बनेगा यूरासिल। अब देखिए हम लोग कि किस तरह से टोटोमर्स म्यूटेशन कॉज करते हैं। देखिएगा जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उस डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो दूसरे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में पेयरिंग करके नए डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन अब मेरे डीएनए में नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस की जगह आपके पे क्या प्रेजेंट है, टॉटोमर। तो ये टॉटोमर्स जब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस के साथ में पेयरिंग करेंगे तो उस पेयरिंग को हम कहते हैं फॉरबिडन पेयरिंग। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फॉरबिडन पेयरिंग, यानी एक ऐसी पेयरिंग जो अलाउड नहीं होती। टॉटोमर्स देख रहे हैं, टॉटोमर्स आर एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस। तो नॉर्मल जब दो नाइट्रोजनस बेसिस आपस में पेयरिंग करते हैं तो दैट इज द नॉर्मल पेयरिंग, लेकिन जब नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस पेयरिंग नहीं करेंगे तो उस तरह की हर पेयरिंग आप कहोगे फॉरबिडन पेयरिंग। यानी एक टॉटोमर एक एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेस एक नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस के साथ जब पेयर अप करेगा तो उसको आप कहोगे फॉरबिडन पेयरिंग, और इस फॉरबिडन पेयरिंग की वजह से जो नया डीएनए बनेगा वो डीएनए एक रॉन्ग टाइप का डीएनए होगा, क्योंकि इस डीएनए में नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस के अलावा के साथ क्या प्रेजेंट है, टॉटोमर्स यानी एबनॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस
प्रेजेंट है जिसकी वजह से हो गया म्यूटेशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग केमिकल म्यूटाजेंस में। हमारा तीसरा जो एग्जांपल है वो है बेस एनालॉग्स। एनालॉग्स मतलब बिल्कुल उसके हूबहू उसके जैसा। बेस एनालॉग्स का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल कैसे होते हैं फंक्शनली नाइट्रोजनस बेसिस के जैसे, यानी आप कह सकते हो कि दीज आर दी डुप्लीकेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, उसके जैसे हूबहू होते हैं, उनका फंक्शन भी वैसे ही रहता है जैसा एक नाइट्रोजनस बेस का, लेकिन वो नॉर्मल नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है। यानी जब ये पेयरिंग करेंगे तो उस पेयरिंग को भी आप क्या कहोगे, फॉरबिडन पेयरिंग, यानी अ पेयरिंग विच इज नॉट अलाउड। तो व्हाट आर बेस एनालॉग्स, दीज आर द डुप्लीकेट्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह बिहेव करते हैं बट दे आर नॉट नॉर्मल। एग्जाम्पल दिखा दूं मैं अगर आपको एक बार, तो देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस और उनके बेस एनालॉग्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले एडिनाइन, अगर एडिनाइन का बेस एनालॉग पूछोगे तो अमीनो प्यूरिन, यानी अमीनो प्यूरिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो फंक्शनली बिहेव करता है एडिनाइन के जैसा, और थायमिन का बेस एनालॉग कहलाता है 5-ब्रोमो यूरासिल। स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये थायमिन का स्ट्रक्चर है और ये है 5-ब्रोमो यूरासिल का स्ट्रक्चर। तो इनमें जो डिफरेंस है बेसिकली वो डिफरेंस है यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है जबकि यहाँ पर ब्रोमीन लगा है, ब्रोमाइड, तो इसलिए हम इसको कहते हैं 5-ब्रोमो यूरासिल और ये है थायमिन। यानी थायमिन का बेस एनालॉग क्या कहलाता है, 5-ब्रोमो यूरासिल। यानी अगर डीएनए में थायमिन की जगह प्रेजेंट होगा 5-ब्रोमो यूरासिल, तो जब ये पेयरिंग करेगा दूसरे नाइट्रोजनस बेस के साथ में तो दैट टाइप ऑफ पेयरिंग इज कॉल्ड एज फॉरबिडन पेयरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स, यानी अल्काइलेटिंग एजेंट्स वो एजेंट्स जो अल्काइलेशन कर सकते हैं उनको हम कहते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। और दो ही एग्जांपल ईएमएस और एमएमएस, इथाइल मिथेन सल्फोनेट और मिथाइल मिथेन सल्फोनेट। अब अल्काइलेजिंग एजेंट्स ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, तो हमारा आंसर होगा कि इट कॉजेज डीप्यूरिनेशन ऑफ डीएनए। मैंने अभी आपको सिखाया था कि कैसे वर्ड का मीनिंग निकालते हैं, डी का मतलब क्या है, रिमूवल, और प्यूरिनेशन मतलब प्यूरिन का रिमूवल हो गया। तो डी प्यूरिनेशन यानी कि जब डीएनए में से प्यूरिन रिमूव हो जाए तो उसको हम कहते हैं डी प्यूरिनेशन। प्यूरिन मतलब नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं प्यूरिन्स और पायरामिडिन्स। तो अगर डीएनए में से प्यूरिन्स निकलने लगे तो उसको आप कहते हो डी प्यूरिनेशन। और प्यूरिन्स में कौन कौन आता है, एडिनाइन और ग्वानिन। डी प्यूरिनेशन इज द रिमूवल ऑफ प्यूरिन बेसिस फ्रॉम डीएनए विच कॉजेज अ गैप। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं किसी डीएनए में से कोई पर्टिकुलर एरिया से प्यूरिन निकाल लूं तो वहां पर एक गैप प्रोड्यूस हो जाएगा। मैं इसको अगर केमिकली आपको एक्सप्लेन करूं डीप्यूरिनेशन को, तो आप देखिएगा यहां पर रिएक्शंस को देखिए, यहां पर जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड में एक होता है पेंटोज शुगर के साथ बाइंड है यहां पर फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ में बाइंड है यहां पर एक नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीनों मिलकर बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड, और यहां पर नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, ग्वानिन, और ग्वानिन क्या है, एक प्यूरिन है। तो इस ग्वानिन पे जब मैं कोई अल्काइलेटिंग एजेंट डालूंगा तब यहां पर होगा डी प्यूरिनेशन, यानी ये डी प्यूरिनेशन यानी प्यूरिन क्या होगा, यहां से रिमूव। तो यहां पर जहां पर पहले ग्वानिन प्रोड्यूस था यहां पर अब ग्वानिन प्रेजेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज डी प्यूरिनेशन यानी रिमूवल ऑफ प्यूरिन। अब डी प्यूरिनेशन से होगा क्या, तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, ATGC, ATGC, ATCG और ATGC, कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, मैंने कोई भी किसी भी तरह का एक पैटर्न आपको शो किया यहां पर। तो जब इस डीएनए के स्ट्रक्चर पे मैंने कोई अल्काइलेटिंग एजेंट डाला तो उस अल्काइलेटिंग एजेंट की वजह से होगा डी प्यूरिनेशन, यानी वहां से एक प्यूरिन रिमूव हो जाएगा। तो जैसे यहां पर मैंने क्या रिमूव कर दिया, जी, यानी यहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया, एक गैप प्रोड्यूस हो गया। अब ये गैप कोई दूसरा नाइट्रोजनस बेस फिलअप करेगा। तो देखिए यहां पर मैं दो कंडीशन बता रहा हूं, पहले कंडीशन में मैंने जी वाला जो गैप था वहां पे जो है सी को पेयर अप कर दिया, अब जी की जगह आ गया सी, और सी क्या है, एक पायरामिडिन। रिमूव क्या किया था मैंने, प्यूरिन, प्यूरिन को रिप्लेस किसने किया, पायरामिडिन। तो जब एक प्यूरिन को एक पायरामिडिन रिप्लेस करते हैं तो इस तरह के म्यूटेशन को क्या कहते हैं हम, ट्रांसवर्जन। तो दिस इज ट्रांसवर्जन। और इसी प्यूरिन की जगह अगर मैं कोई दूसरा प्यूरिन लगाऊं, जैसे मैंने जी की जगह लगाया ए, अब जी भी प्यूरिन है ए भी प्यूरिन है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन। तो दिस इज ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। आप जरूर हमारे म्यूटेशन के वीडियोस देखें, आपको ये सारी चीजें वहां पर हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन क्या होते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस।
तो वहाँ ज़रूर देखिए, आप सब समझ जाएंगे वहाँ पर। तो इस तरह से एक अल्कलेटिंग एजेंट काम करता है बाय कॉजिंग डीप्यूरिनेशन। सबसे लास्ट केमिकल म्यूटाजन है एक्रिडिन और प्रोफ्लेविन डाई। ये एक तरह की डाई है प्रोफ्लेविन, जो यूज की जाती है। अब एक्रिडिन कैसे काम करता है? एक्रिडिन किसी डीएनए के स्ट्रक्चर से या तो एक नाइट्रोजनस बेस ऐड करेगा या एक नाइट्रोजनस बेस लॉस करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक सिंगल नाइट्रोजनस बेस को ही या तो ऐड करता है या रिमूव करता है। रेयर केसेस में मोर देन वन नाइट्रोजनस बेसिस भी रिमूव या ऐड किए जा सकते हैं। अगर आपने हमारे म्यूटेशन के वीडियोस पहले चार पार्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, समझे हैं, तो आप बता पाएंगे कि उस म्यूटेशन को क्या कहते हैं जिसमें लॉस या एडिशन होता है एक नाइट्रोजनस बेस का। उसी बेस पे मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय एक्रिडिन, यानी एक्रिडिन किस तरह का म्यूटेशन कॉज करता है। देखिए बायोलॉजी बहुत अच्छे से समझें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सारे टॉपिक्स इंटर लिंक्ड होते हैं और क्वेश्चन जब घूम के आता है तब अपने को हवा ही नहीं लगती कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। बट अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है चीज़ों को तो आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे। तो व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय एक्रिडिन? तो वेरी वेल नो कि एक्रिडिन लॉस और एडिशन करता है एक नाइट्रोजनस बेस का, और इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको मुझे आंसर बताना है कि ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, एन्यूप्लॉइडी है या मोनोसोमी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, खुद देखिए इसका आंसर, ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो हमने देखा था थैलेसेमिया के केस में। मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है कि थैलेसेमिया इज कॉज्ड अप बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, आप अच्छे से कीप स्टडिंग हार्ड, हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, आप सब पे हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइड्स पसंद आई तो ये सारी स्लाइड्स हम अपलोड करते रहते हैं अलग अलग सोशल चैनल्स पे, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।